आईफोन 11 प्रो मैक्स डिटेल्ड कैमरा टेस्ट इन 2023। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट किस तरह का देखने को मिलता है, सिर्फ पोर्ट्रेट किस तरह के क्लिक कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप इसमें कुछ इस तरह के सिनेमैटिक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सारा कुछ आज मैं आपको वीडियो में जाकर बताने वाला हूं, क्योंकि सिनेमैटिक ऑप्शन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस टाइम एक ऐसी ऐप है जिससे आप आउट क्लास वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और बाकी इसके मेन कैमरा से सारे सैंपल आपको मैं दिखाऊंगा कि आप इसे किस तरह के क्रिएटिव काम कर सकते हो 11 प्रो मैक्स के साथ। 2023 में ये वाली डिवाइस आपको कैसी रहने वाली है फॉर कैमरा पर्पस, तो आ जाइए अब इसके कैमरा सैंपल की तरफ। आप इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करते हो, इसके बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें तीनों कैमरा 12-12 मेगापिक्सल के हैं, जिसमें हमें एक मेन लेंस देखने को मिलता है, उसके साथ साथ सेकंड लेंस हमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, और थर्ड हमें इसमें एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, और वहीं पर फ्रंट कैमरा भी हमें 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ 1080p 60fps के ऊपर। ये वाला एंगल यूज करने का मकसद यह था कि अगर आप व्लॉगिंग वगैरह का सोच रहे हैं तो आपको समझ आ जाए कि इसका रिजल्ट किस तरह का देखने को मिलता है। इस टाइम मैं साय वाले एरिया में खड़ा हूँ और मेरे बैक साइड के ऊपर काफी ज्यादा हार्श लाइट है, तो आपको इसकी डिटेल वगैरह का अंदाजा हो जाएगा। और बाकी घूम के मैं आपको इसके फ्रेम शिफ्ट दिखा देता हूँ, काफी स्मूथ देखने को मिलते हैं, और एक बार चल के मैं आपको स्टेबिलाईजेशन दिखा देता हूँ। इस टाइम स्क्रीन मेरे ऑपोजिट साइड पे है, तो आपको इसकी स्टेबिलाईजेशन का भी अंदाजा हो जाएगा कि हमें कितनी स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलती है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ फॉर व्लॉगिंग। मेरे हिसाब से व्लॉगिंग के लिए ये वाला कैमरा दी बेस्ट है, आप जरूर बाय कर सकते हो 11 प्रो मैक्स को। ये वाली वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम 1080p 60fps के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार घूम के मैं आपको इसके फ्रेम शिफ्ट भी दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह के फ्रेम देखने को मिलते हैं, और बाकी ह्यूमन ऑब्जेक्ट के ऊपर डिटेल वगैरह भी आप देख सकते हैं कि बैक साइड के ऊपर हार्श लाइट आ रही है और अच्छे से मेंटेन कर रहा है हमें, यदि शेडो एरिया में मेरा ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिटेल को भी। और एक चीज़ ये भी आपको देखने को मिलती है कि जब हम 60fps के ऊपर 1080p रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आप इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो ये वाला जो शिफ्ट आपको फिश आई इफेक्ट देखने को मिलता है ये हमें अल्ट्रा वाइड लेंस के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग काम करता है। और एक बार चल के मैं मेन कैमरा पे आपको इसकी स्टेबिलाईजेशन भी दिखा देता हूँ कि हमें कितनी स्टेबल वीडियो देखने को मिलती है। तो इस टाइम मैं ठीक ठाक तेज़ चल रहा हूँ, तो आपको इसकी स्टेबिलाईजेशन का भी अंदाजा हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम एक बार इसका फोकस भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने पेड़ पर फोकस किया, बैक साइड पर फोकस कर दिया, पेड़ पर कर दिया, कब फोकस शिफ्ट कर देता है समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा स्मूथ फोकस देखने को मिलता है। अब एक बार मैं आपको इसके 4K के सैंपल भी दिखा देता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके 4K के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी है, शेडो वगैरह और काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह का, तो आपको इसकी डिटेल का अंदाजा हो जाएगा। एक बार मैं आपको फोकस भी दिखा देता हूँ कि 4K के ऊपर कैसा देखने को मिलता है। नो डाउट फोकस अल्ट्रा फास्ट देखने को मिलता है हमें 4K के ऊपर भी। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बार ह्यूमन ऑब्जेक्ट की डिटेल भी दिखा देता हूँ कि बैक साइड के ऊपर फुल हार्श लाइट है और यहाँ पे साय वाले एरिया में मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अच्छी डिटेल को मैनेज कर पा रहा है यहाँ पे 11 प्रो मैक्स। मीन्स कि वीडियोग्राफी में आपको कोई इश्यू देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन एक बात है कि आप 4K के ऊपर अल्ट्रा वाइड लेंस में शिफ्ट नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ मैं चल के आपको स्टेबिलाईजेशन भी दिखा देता हूँ कि 4K 60fps के ऊपर आपको कितनी स्टेबल वीडियो देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ एक बार आपको मैं 4K की जूम दिखा देता हूँ, 3x तक आप मैक्सिमम जूम कर सकते हो 4K के ऊपर। पहली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके फ्रंट कैमरा के साथ 1080p 60fps के ऊपर। फ्रंट कैमरा भी आपको 7 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, डिटेल वगैरह ठीक देखने को मिल रही हैं। बैक साइड पे मुझे हार्श लाइट यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ी ओवर एक्सपोज है, लेकिन ओवरऑल डिटेल्स ठीक है। और यहाँ पे मैं चल भी रहा हूँ तो आपको इसकी स्टेबिलाईजेशन का भी अंदाजा हो जाएगा कि हमें स्टेबिलाईजेशन कितनी देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ देखो कि मेरी शर्ट का कलर जब डायरेक्ट सन लाइट के नीचे आया हूँ तो थोड़ा ब्राउन आउट कर दिया। फ्रंट कैमरा में उतना मज़ा देखने को नहीं मिलता आपको, लेकिन बैक कैमरा से आप बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस तरह का कुछ इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और एक बात कि फ्रंट कैमरा से आप 4K 60fps तक भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो एक बार मैं 4K आपको सैंपल ज़रूर दिखा देता हूँ। पहली रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 60fps के ऊपर, यहाँ पे बैक साइड को थोड़ा ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज कर गया है 4K के ऊपर, और बाकी फ्रेम शिफ्ट वगैरह तो ठीक ही देखने को मिल रहा है। और एक बार चल के मैं आपको इसकी स्टेबिलाईजेशन भी दिखा देता हूँ, तो स्टेबिलाईजेशन तकरीबन वैसी ही है जैसी हमें 1080p 60fps के ऊपर देखने को मिल रही थी, यहाँ बल्कि थोड़ी ज़्यादा कम हो गई है स्टेबिलाईजेशन, ज़्यादा शेक कर रहा है मोबाइल। तो फ्रंट कैमरा से कोई इतना मज़ेदार रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे आप, लेकिन बैक कैमरा से बहुत अच्छी कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट्स की। अगर आप पोर्ट्रेट्स की बात करते हो तो इसमें आप 1x के ऊपर भी पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप इसमें 2x के ऊपर भी पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है। और अगर 1x की बात करते हो तो डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी आती है, जैसे कि 2x में भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट के लिहाज से ये वाला फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप इससे कि एज डिटेक्शन की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा शार्प एंगल्स देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई है वो डायनेमिक रेंज थी। पोर्ट्रेट्स के अंदर बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से
देता है, और उसके साथ अगर कोई क्लाउड वगैरह भी है बैक साइड पे तो वो भी अच्छे से कवर करता है। बाकी रॉ फोटोज भी आप अच्छे से क्लिक कर सकते हो, अगर पोर्ट्रेट अप्लाई ना करो, ब्लर अप्लाई ना करो तो भी फेस की डिटेल बिल्कुल अच्छी रहती है, फेस को खराब नहीं करता। ये वाली चीज मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो अगर पोर्ट्रेट का अगर आपका ज्यादा काम है तो आप आंखें बंद करके आईफोन 11 प्रो मैक्स को फॉर पोर्ट्रेट्स वीडियो फोटोज के लिए जरूर कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद इसकी नॉर्मल पिक्चर की बात करते हैं, जैसे कि आपने लैंडस्केप की पिक्चर लेनी है या फिर किसी और चीज़ वगैरह की पिक्चर आप ज़्यादा क्लिक करते हो, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, उसके साथ साथ 2x लेंस देखने को मिलता है, 1x लेंस आपको देखने को मिलता है। आप जिस तरह की मर्जी पिक्चर क्लिक करना चाहो कर सकते हो, खास तौर पर अल्ट्रा वाइड का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला है। उसके बाद आईफोन है तो इसमें आप जब लेंस के दरमियान शिफ्ट करते हो तो कोई कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, और उसके साथ साथ कोई डायनेमिक रेंज में कमी देखने को नहीं मिलती। तीनों लेंस के ऊपर बहुत अच्छी डायनेमिक रेंज प्रोवाइड करता है ये वाला फोन। शेडो एरिया को बहुत अच्छे से कवर कर पा रहा था, हाइलाइट्स को बहुत अच्छे से कवर कर पा रहा था, और क्लोजअप शॉट्स की बात करते हो तो बहुत अच्छे से क्लोजअप शॉट के लिए करता है, और उसके साथ साथ फोकस का भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिलता। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे आता है फौरन इंस्टेंट फोकस कर लेता था। इसी प्राइस में आने वाले आईफोन 12 का भी हमें कुछ इस तरह का ही फोकस देखने को मिलता है, लेकिन 12 प्रो मैक्स का फोकस ज्यादा अच्छा है 11 प्रो मैक्स से। बाकी आप देख सकते हो कि क्लोजअप शॉट में भी HDR इतना आउटस्टैंडिंग काम कर रहा था कि बैक साइड पर स्काई को और क्लाउड को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। तो मेरे ख्याल में फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी हो, अगर आपने कोई अच्छा मज़ेदार कैमरे वाला फ़ोन लेना है जो कि आपको रियल आईफोन या एप्पल वाली फील दिलवाए, तो आईफोन 11 प्रो मैक्स से इसमें आप सारे काम कर सकोगे, वीडियोग्राफी के, फोटोग्राफी के एंड कैमरा यूजर्स के। अब बाकी आप सैंपल इंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपको स्लो मोशन में मिलता हूँ इसमें। तो डिटेल कैमरा रिजल्ट देखा आपने आईफोन 11 प्रो मैक्स का 100% 2023 में आप इसको आंखें बंद करके कंसीडर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको नाइट मोड भी देखने को मिलते हैं, आपको नाइस पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, 1x एंड 2x का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ आप इसमें पोर्ट्रेट वीडियो भी बना सकते हो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, एक प्रोटेक नाम की ऐप है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, और आप इसमें सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हो, जैसे कि 13 प्रो मैक्स एंड 13 सीरीज से शुरू होती है, आगे 14 में आप बना सकते हो। तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, 2023 में आप आंखें बंद करके iPhone 13 Pro Max को कैमरा पर्पस के लिए बाय कर लीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यार बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं इस तरह की वीडियो लाने के लिए आपके लिए, और कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।